आज आउ 24 नुआ पॉजिटिव चिन्हट पर राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या 294 को वृद्धि पाई। आज चिन्हट जड़े केरल फेरता आउ समस्त आक्रांत सूरत फेरता। तेरे क्वारंटाइन सेन्टर में अवस्था एम रिपोर्ट पॉजिट आसी संख्या को नहीं भयभीत होवार कौन कारण ना राज्य सरकार कोविड 19 मुखपात्र सुब्रत बागची से भी राज्य में संक्रमण रोकवाक दूरदृष्टि रखी सरकार जो योजना करापर भरोसा रखी आगामी दुई मास पर्यंत समस्ते संयमता रक्षा करने दिगरे गुरुत्व मिशन शक्ति निर्देशिका सुजाता कार्तिकेयन पांड्यान। नयागढ़ जिला को छुईला कोरोना 19 जिला को व्यापिला भाइरस प्रथम करी नयागढ़ जिले में जड़े कोरोना आक्रांत चिन्हट होती आक्रांत जनक 40 वर्षीय पुरुष एवं से सूरत रु फेरी क्वारंटाइन थिले। सेहीभली गंजाम रे बढ़िवार लगी संक्रमित संख्या आज जिले में आउ 18 जन सूरत फेरता रिपोर्ट पॉजिटिव आसी गंजाम जिले में आक्रांत संख्या 99 पहुंची। से भाई मयूरभंज में आउ 3 एवं भद्रक सुंदरगढ़ में जड़े लेखाए कोरोना आक्रांत चिन्हट होती समस्ते सूरत फेरता बोली जमापड़ी। ए नंबर मैक्सिमम जो बाहरी से क्वारंटीन सेंटर रु बाहरी से मैंने गाँव में बुलाबूली करना से बेसी का संगरे संपर्क रे आसी ना तेणु ये जो नंबर आप देखुं एथेरे से नंबर रे कदापि आपण मैंने डरबे ना। आज गोटे नुआ जिला एथेरे एड होती सिया हूँ नयागढ़। नयागढ़ रे जड़े पॉजिटिव चिन्हट होती टोटल ए प्रकार रे ओडिशार 30टा जिलूर 19टा जिला रे पॉजिटिव केसेस चिन्हट होती किंतु वर्तमान रे मात्र 16टी डिस्ट्रिक्ट रे आमरो एक्टिव केसेस रही। मात्र दिन कईटे राज्य में कोरोना हॉटस्पॉट पलटि गंजाम जिला एवं सुधा जिले में 99 पॉजिटिव चिन्हट होती 55 आक्रांतों कोरोना मैप रे द्वितीय स्थान में रही जाजपुर। राज्य बाहर आसुवा लोकों पर संक्रमित संख्या बढ़ुची आज केवल बाहर राज्य को कर्म निजुक्ति जा लोक फेरुंट से कथा नुहे एथिरे बाहर राज्य रे पाठ पढ़ा जा छात्र माने अच्छा बाहर राज्य को तीर्थयात्री भी अच्छा से माने निज राज्य को फेर को व्यस्त अच्छा तेरे आग को भारत वर्ष महासंक्रमण पूर्वर एम राज्य को फेरी आसवा निहाती जरूरी नचे आग को परिस्थिति नियंत्रण करवा मुस्किल हो पड़। भारत वर्षरे संक्रमण प्रभाव महामारी रूप नवा परे एमानकर आसीबा प्रजोज्य आसीबाटा भल ना वर्तमान चली आसीबाटा भल वर्तमान परिस्थिति रे किछि सहज संक्रमित व्यक्ति आसी पारंती किंतु धरंतु जून मासरे महासंक्रमण जदि घटे एवं सेतेबेले जदि सह सह स्थान रे हजार हजार लोक संक्रमित होई एकाठी आसी पहुंची जिवे तार परिणाम कौन हबो ताहा समस्तंकु भाबिबा दरकार। एबे राज्य बाहर फेरुथिबा प्रवासी ओडियांको पई सरकार क्वारंटाइन सेंटर रा व्यवस्था करिछंती जेउठा रहिबा अवस्था रे सेमानंक भितरु किछि लोकंक रिपोर्ट पॉजिटिव आसीछि जेउथि पई दिनकु दिन संख्या बढ़िबार लागिछि तेणु एथिरे भयभीत हेबार कौनसी कारण नाही। एहाकु नजर रखि ओडिशा सरकार बहु समय पूर्वरु सब ग्राम पंचायत स्तर रे क्वारंटाइन सेंटर करिछंती जेउठि बाहर राज्य रु फेरुथिबा सेही पंचायत लोकमानंकु रखा जाई पारिबो कि बाहर लोक आसिले निश्चय पॉजिटिव केस संख्या बढ़िबो किंतु आमर परिस्थिति नियंत्रण रे अछि त सेइटा आपण भावंतु आमे निश्चय सरकारंकर समस्त विभाग लागिचंती स्वयं सहायक गोष्ठी माने लागिचंती गाँवर सरपंच माने लागिचंती अनेक सिविल सोसाइटी रो ऑर्गेनाइजेशंस माने एथिरे काम करचंती समस्ते लागिचंती केमिति समाज रे संक्रमण न हो प्रत्येकटी केस को आमे केमती टेस्ट करिकी तांकर चिकित्सा करि पारो। क्वारंटाइन सेंटर रे रहिबा बेले प्रवासी माने सरकारक नियम पालन करिवे ताकु कोनोसी परिवार लोक भेटिबा पई जिबा अनुचित कारण संपर्कर महत्व बुझेनी भाइरस सामाजिक दूरता न रहिले संक्रमण रो भय रहिछि। राज्य सरकारक दूरदृष्टि संपन्न योजना पई परिस्थिति नियंत्रण रे रहिछि तेणु आसंता दुई मास पाई समस्त संयमता रखिबा निहाती जरूरी।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ଔଷଧ ଆସିନାହିଁ, କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିନାହିଁ, ଏଇ ରୋଗର କେବଳ ତିନୋଟି ଔଷଧ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ଏଇ ଭୂତାଣୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବନି, ସେ ଡେଇଁକି ଆସିବନି, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଆଉ 5 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 4 ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନାରୁ 68 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।